हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। अगर कोई कमी है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि तो फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 150 डिग्री पे प्रीहीट लगा दे पहले। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए उसके लिए सबसे पहले हमने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है 1/4 कप। कंडेंस मिल्क मैंने लिया है 1/2 कप। शुगर लिए, चीनी, सबसे पहले आप अपनी नॉर्मल चीनी को मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिएगा, फिर उसको छन्नी से छान लीजिएगा। हम लोगों का शुगर पाउडर रेडी हो जाएगा 1/4 कप। मैदा लिया है 3/4 कप। बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। मिल्क लिया है 1/2 कप। कोको पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी वो 6 चम्मच। और अगर आपके पास एसेंस है तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस या वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों को केक टिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आप केक टिन ले लीजिएगा। केक टिन में ऑयल लगाइएगा, उसके बाद उसमें मैदा डालिएगा और बाकी डस्ट करके बाकी का मैदा हटा दीजिएगा। केक टिन ना हो तो आप कोई भी बर्तन में यही प्रोसेस दोबारा कर लीजिएगा। छोटा लीजिएगा, ये 1/2 kg का केक बन रहा है 6 इंच की टिन में। सबसे पहले देखिए हमने एक बर्तन ले लिया, उसमें 1/4 कप शुगर डाल दिए, फिर 1/4 कप ऑयल डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा तेल चीनी में ना मिक्स हो जाए, तब तक हम लोग इसको मिक्स करेंगे। फिर हमने इसमें 1.5 कप कंडेंस मिल्क डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। 1-2 मिनट तक हम लोग अच्छे से चलाएंगे तो हमारा कंडेंस मिल्क, ऑयल और शुगर सब एक ही में मिक्स हो जाएगी। जैसे देखिए मेरी मिक्स हो गई है। फिर मैंने एक छन्नी ले ली है, छन्नी में मैंने 3/4 कप मैदा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा डाला है 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, पिंच ऑफ सॉल्ट। और फिर इसके बाद मैंने इसमें 6 चम्मच कोको पाउडर डाला है, 6 चम्मच, 4 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इन सबको अच्छे से छन्नी से छान लिया है। जो बाकी का इंग्रेडिएंट था, जो वेस्ट था, उसको फेंक दिया है, लम्स, जिससे हमारे केक में लम्स ना आए। देखिए हम लोगों ने सब छान लिया है और थोड़ा थोड़ा देखिए पहले मिक्स कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत संभाल के हम लोग कट एंड फोल्ड मैट से देखिए इसको हम लोग फोल्ड कर रहे हैं। उसमें हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते रह रहे हैं। अगर आपको दूध कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ा दूध और बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए मैं धीरे धीरे दूध डाल रही हूँ और कट एंड फोल्ड मैट से इसको बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा स्मूथ टेक्सचर वाला देखिए ये बन गया है, रेडी है। रिबन टाइप में होना चाहिए, इसको उठा के देखिएगा और गिराइएगा। देखिए रिबन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। फिर हम अपनी केक टिन में अपना बैटर को डाल लेंगे। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स हमने डाल लिया है। इसके बाद अब इसको देखिए थोड़ा टैप टैप कर लीजिएगा, देखिए जिसमें जो एयर बबल्स होंगे वो सब चले जाएंगे। फ्रेंड्स ये मैं केक माइक्रोवेव में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सबसे पहले कोई भी कुकर रख लीजिएगा, उसमें नमक डाल दीजिएगा और उसको ढक के उसकी सीटी निकाल के रख दीजिएगा। 15 मिनट में प्रीहीट हो जाएगा। माइक्रोवेव में 20 मिनट, गैस में 30 मिनट। एक बार चेक करके नाइफ डाल के चेक कर लीजिएगा, नहीं पका हुआ तो 5-5 मिनट सब में टाइम बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा अपने केक को ठंडा करिएगा। उसके बाद केक टिन से बाहर निकाल लीजिएगा। केक का बेस रेडी है।